जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर गुदामार्ग में जलन रहती है, खुजली होती है और काफ़ी तकलीफ उनको महसूस होती है। ऐसे उन व्यक्तियों को यह सब तकलीफ का सामना करना पड़ता है जिनको पाइल्स अर्थात बवासीर होती है, फिसर होता है, फिस्टुला होता है। तो जिनको भी मलद्वार में यह रोग होता है उनको इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनको काफ़ी पीड़ादायक स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब वह लैट्रिन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होता है, लैट्रिन करने के बाद भी काफ़ी समय तक जलन रहता है। तो उन लोगों द्वारा पूछा जा रहा था कि सर क्या लगाएं। तो आज मैं एक तेल के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आयुर्वेदिक तेल है और आसानी से आप उसको लगा सकते हैं। उससे आपके गुदा मार्ग का जो जलन है, जो तकलीफ है, जो कि दर्द है और जो इन्फेक्शन है उसमें काफ़ी हद तक वह मदद करेगा और आपको रिलीफ पहुंचाएगा। आपको बताना चाहता हूं पाइल्स के संबंध में कि जो ये सब बीमारियां हैं, यह गलत खान पान के द्वारा यह मानव शरीर में प्रवेश करती हैं और जब कब्ज गैस जिनको रहती है तो अंततोगत्वा उनको आने वाले समय में बवासीर का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान यह रखना चाहिए कि गैस न बने, कब्ज न बने। अगर कब्ज ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है तो आप पपीते का सेवन करें, पका पपीता खा सकते हैं, पका अमरूद खा सकते हैं, जिससे कि कब्ज दूर हो जाए। दवा का प्रयोग न करिए और इस ऐसे खा करके आप अपने कब्ज को दूर रखिए तो यह पाइल्स की शिकायत नहीं होगी। जिनको है भी तो उनके लिए भी ये सब चीज़ें खा सकते हैं। बाकी गुदा मार्ग में जब को पता है कि वो इतना संकुचित हो जाता है और उसमें एक प्रकार का वो जब वो लैट्रिन करते हैं तो कड़ा टाइप में रहता है, जैसे और लैट्रिन जो सूखी लैट्रिन रहती है तो वह गुदा मार्ग से गुजरती है तो वहाँ की जो दीवारें होती हैं, जो परत होती है उसको वह क्या करती हैं, घाव पहुँचा देती है, एकदम छिल देती हैं। अब खुद आप समझ लीजिए कि जिनको मुँह में अगर निनाह हुआ होगा जानते होंगे कि अगर सब्जी खाइए तो कितना जलन होता है। आप सोचिए अगर निनाह हो गया मुँह में और सब्जी खाइए तो कितना जलन होगा, ज़्यादा जलन होता है, नहीं खा मिलता है। तो आप सोचिए कि बस वहाँ अगर कट लग गया तो अब जब लैट्रिन है वहाँ जब करेंगे तो उस रास्ते जाएगा तो क्योंकि जो मस्त मसाला खा रहे हैं तो उसी रास्ते जा रहा तो जलन स्वाभाविक है होना। तो उस जलन से बचने के लिए यह जो मैं तेल बता रहा हूँ आयुर्वेदिक तेल, बहुत से जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं अच्छे अच्छे वह मरीजों को अपना यह देते हैं। इसका मैंने कई लोगों को देखा कि उसका यूज भी कर रहे थे तो उनको रिलीफ महसूस हुआ। आपको बताना चाहता हूँ जो घरेलू नुस्खे होते हैं वह जो शुरुआती स्टेज होता है पाइल्स का उसको ठीक कर लेते हैं। बाकी जटिल केस में डॉक्टर से सलाह लेना हर हालत में अनिवार्य है। जिनकी परिस्थितियाँ गंभीर हों, जिनको ज़्यादा तकलीफ महसूस हो, एक बार जरूर गुदा मार्ग के डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि डॉक्टर के पास ही पूर्णतः निदान होता है। बाकी हल्का फुल्का इलाज आप लोग अपने ढंग से कर सकते हैं। मान लीजिए जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं डॉक्टर के पास तो आपको अगर जलन ज़्यादा हो रही है, तकलीफ हो रही है तो गुदा मार्ग में लगाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी कंपनी का, या कोई कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, तेल का नाम है ज्यात्यादि तेल। मैं अभी इसको बाद में इसको दिखा भी दूंगा, अभी आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए अगर देख पा रहे होंगे, ज्यात्यादि तेल इसका नाम है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, वैद्यनाथ का ले, डाबर का ले लीजिए, मतलब जितने भी आयुर्वेदिक कंपनियां, लगभग बहुत सी कंपनियां इसको बनाती हैं ज्यात्यादि तेल। अभी मैं उसका जब वीडियो खत्म होगा तो अंतिम एक बार इसको लिखा दिखा दूंगा, कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के, इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा दूंगा क्योंकि ऐसे आप सही से देख नहीं पा रहे होंगे। तो अब करना क्या है कि जैसे यह तेल जो है, इस तेल को आप क्या करिए, जैसे लैट्रिन करने आप जाइए, लैट्रिन करने के बाद जब आप बढ़िया से गुदा मार्ग को अच्छे से धो लीजिए, कर लीजिए, तो इसको क्या करिए, आप इस तेल को ऐसे गदोरी पर दो तीन बूंद ऐसे गिरा दीजिए, खोल करके ऐसे दो तीन बूंद गिरा दीजिए। गिराने के बाद आपको क्या करना है, आप देखिए पहले तो आपका ये नाखून जो है बढ़िया से, यह वाला नाखून जो तर्जनी अग्नि जो है, इसको बढ़िया से नाखून घिसा होना चाहिए। अब इसमें करना क्या है कि जैसे आप हल्का सा इसको ऐसे क्या करिए, तेल को ऐसे लपेट ऐसे लगा लीजिए, बड़े से लग जाए पूरा किनारे, और फिर आप धोने के बाद गुदा मार्ग पे ले जाइए, हल्का हल्का क्या करिए उसमें बाहर से लगाने का प्रयास करिए। जैसे लगाएंगे तो वहाँ की त्वचा क्या होगी, एकदम मुलायम होगी। तो धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे, एक ही बार नहीं, धीरे धीरे जब आप उसमें लगाने शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप कुछ अंदर तक भी, थोड़ा अंदर तक भी आप उंगली को ले जा करके उसको अच्छे ढंग से लगा पाएंगे। क्योंकि यह तेल है तो तेल पूरा धीरे धीरे आप अंदर तक थोड़ा सा इसको आसानी से लगा पाएंगे। अब देखिए साथियों, बहुत से लोग इसमें मजा लेंगे। देखिए मेरे कहने का अभिप्राय क्या है कि गलत खान पान सब लोग कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, और आज तो नहीं है, अभी तो उम्र कम है, ठीक है, 30 साल तक नहीं पता चलेगा, 25-35 साल तक नहीं पता चलेगा, उसके बाद वही खाना, वही दूषित खाना। तो अभी तो हंसने वाले हंसेंगे कि क्या बता रहे हैं, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी है और अक्सर लोगों को हो जा रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को हो जा रहा है, कोई बताए या न बताए तो किसी को गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए एहतियात अभी से बरतिए कि अपने पाचन तंत्र को सही रखिए, गलत खान पान न करिए, पेट एकदम साफ होना चाहिए, गैस नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही दिक्कत होगी। तो उसको क्या करेंगे, लेकर के गुदा मार्ग में थोड़ा अंदर तक ऐसे लगा देंगे, वह त्वचा एकदम स्मूथ हो जाएगी, एकदम मुलायम हो जाएगी धीरे धीरे। तो जब वहाँ लगाएंगे तो वहाँ ठंडक आराम पहुँच जाएगी। बहुत से लोग क्रीम लगाते हैं, लेकिन यह तेल जो होता है तेल सस्ता भी पड़ता है,
थोड़ा सा लगेगा, तो आराम से एकदम पूरा लगा लेंगे। और जब लगा देंगे पूरा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब देखेंगे कि जखम में है वो भी दूर होगा। बाकी आप लोग बहुत से ऐसी दवाएं हैं, उस दवाई को भी प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे हैं उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। केवल पेट को दुरुस्त रखिए, पेट एकदम साफ हो, क्लियर हो, एकदम कब जने हो तेल लगाइए, तभी देखिए धीरे धीरे पता नहीं चलेगा। एकदम देखिए दिक्कत कब, पेट में क्या है, गैस भरा हुआ है, कब जब है लैट्रिन टाइट है उसी समय ज़्यादा दिक्कत होती है। जोर लगाते हैं तो उस समय मस्से फंसे सब फूल जाते हैं, तो मस्से तो एक आध हफ्ते में सब गायब हो जाते हैं। समझ रहे हैं या रहेंगे भी तभी वो प्रभावी आपको नहीं रहेंगे। केवल लैट्रिन साफ हो जाए, एकदम पेट साफ हो जाए, एकदम पेट खाली हो जाए, ठीक है। तो यह प्रक्रिया जो कि डिस्टर्ब हो जाती है तो समस्या हो जाती है। तो इस तेल का प्रयोग आप जब बार लैट्रिन करने अगर सुबह शाम जाते हैं तो दो बार लगाइए, सुबह सुबह जाते हैं शाम को अगर जाते हैं तो एक बार लैट्रिन करने पर लगा देंगे, तो यह उसमें तेल लगा रहेगा, उसको चिकना बनाएगा, उसको मुलायम बनाएगा, जलन उलन दूर करेगा, दर्द दूर करेगा। और आप लैट्रिन करेंगे तो वो भी आराम से लैट्रिन भी हो जाएगा, क्योंकि त्वचा वहाँ के एरिया को क्या करना मुलायम कर देता है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके देखने को मिले हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़, जो भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, और आप लोग डॉक्टर से सलाह लेकर के आया अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, सिर्फ जो जानकारी रहती है उसको शेयर करने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूज़फुल वीडियो पाना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद। तो यहाँ देख लीजिए, जात्यादि तेल किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। आप लोग यहाँ से अक्षर को पढ़ ले बढ़िया से, इस को देखते हुए आप किसी भी कंपनी का जात्यादि तेल ले लीजिए।